एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमाली सरस्वत। कथक बिगिनर्स कोर्स के आज के वीडियो में हम फोर क्लासिकल डांस स्टेप्स और सीखेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, स्टार्टिंग में हमें अपने हाथों की पोजीशन को इस तरीके से रखना है। देन यहां से वन वन पे हमें हल्का सा अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड पर ट्रक करना है। वन वन पे राइट हैंड को हमें नीचे लिया। वन टू पे राइट हैंड को ऊपर लेंगे। देन थ्री फोर राइट साइड से ग्राउंड लेकर सामने आना है। फोर पे दोनों हाथ हमारे पहले वाली पोजिशन पर होंगे। वन टू थ्री फोर। देन सेम स्टेप हमें अब लेफ्ट हैंड से करना है। वन देन टू थ्री फोर। जब हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड से राउंड लेकर सामने आना है। कैसे? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। पैरों के स्टेप मैं आपको बताती हूँ पैरों को हमें किस तरीके से मूव करना है। वन पे हमारा डायरेक्शन लेफ्ट साइड था तो हमारा जो राइट लेग है वो इस तरीके से हल्का सा तिरछा रखना है। वन देन टू, क्योंकि हमें राइट साइड से राउंड लेना है तो हल्का सा हमारा पैर राइट साइड की तरफ जाएगा। टू वन टू देन थ्री फोर, घूम के हमें सामने आना है। हल्का सा हम राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमें सेम अपोजिट करना है। वन तो वन पे हमारा डायरेक्शन होगा राइट साइड पर, पैर को हमने इस तरीके से लिया। देन लेफ्ट से घूमना है। टू थ्री फोर, फोर काउंटिंग में हमें सामने आ जाना है। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो पूरा स्टेप किस तरीके से करना है हमें, हमारे हाथों की पोजीशन ये है। यहाँ से मैं स्टार्ट किया। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। कथक नृत्य में इस स्टेप को हम गत कहते हैं। गत यानी गति चाल। गत दो प्रकार की होती है, गत भाव और गत निकास। गत भाव, जब कोई एक पर्सन स्टोरी टेलिंग करता है और वो बहुत सारे करेक्टर को प्ले करता है तो उन्हें प्ले करने के बीच बीच में हमें करेक्टर को चेंज करने के लिए ये स्टेप लेना होता है, वो ये स्टेप होता है गत। इस गत का स्टेप लेने के बाद हम अलग अलग करेक्टर्स को चेंज करते हुए परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको गत के इसी स्टेप से और भी आगे थ्री स्टेप्स और सिखाऊंगी जिन्हें हम ज्यादातर क्लासिकल डांस या सेमी क्लासिकल डांस में यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप टू। पैरों का स्टेप चारों ही स्टेप में सेम रहेगा जो हमने अभी किया था। वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री फोर। पैरों का स्टेप हमें सेम रखना है। अब हम हाथों के स्टेप को चेंज करेंगे। अब सेकेंड स्टेप हमें हाथों का किस तरीके से लेना है। वन टू, वन पे हमें डायरेक्शन भी यही रखना है। हमारा पहले लेफ्ट साइड पर जा रहा था, वन पे हमने अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड पर इस तरीके से लेना है। वन टू पे अपनी पोजिशन पे आएंगे। देन थ्री फोर सीधा राउंड लेकर हमने अपने राइट हैंड को सामने की तरफ से घुमा के वापस इसी पोजीशन पे लाना है। तो कैसे करना है? वन टू थ्री फोर, फोर अपनी पोजीशन पे आएगा। अब सेम हमें लेफ्ट हैंड के साथ करना है। वन टू देन थ्री फोर। तो पूरा स्टेप हमें किस तरीके से करना है? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में भी पैरों का स्टेप हमें सेम रखना है, हाथों का स्टेप हमें। वन, हम अपने लेफ्ट हैंड को कमर पे रखेंगे, राइट हैंड को हमें लेफ्ट साइड पर ऊपर लेना है। वन देन टू पे हमने उसे भी कमर पे रखा अपने राइट हैंड को। देन थ्री फोर हमें सिर्फ राइट साइड से राउंड लेना है, इसी पोजिशन पे हाथों को रखें। वन टू थ्री फोर राउंड लेंगे। देन वन टू थ्री फोर लेफ्ट साइड से राउंड लेना है। तो पूरा स्टेप हमें किस तरीके से करना है? वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री फोर। आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप फोर। स्टेप फोर में भी पैरों का स्टेप हमें सेम रखना है, हाथों का स्टेप। ये पोजीशन है हमारी स्टार्टिंग में। यहां से हमें वन टू, पहले हमने अपने राइट हैंड को ऊपर से लिया। वन देन लेफ्ट को लिया। टू देन राइट को ऊपर की साइड से लेके राइट साइड से घूम के हमें सामने आना है। तो कैसे करना है? वन टू थ्री फोर। अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर।
हाथों के स्टेप के साथ हमें इसमें पैरों को भी चलाना है। जब हमने राइट हैंड को लिया तो हम अपने राइट लेग को लेंगे, वन देन टू, ओनली वन टू, देन डाउन लेंगे थ्री फोर। अब लेफ्ट से स्टार्ट किया, वन टू राउंड लेंगे थ्री फोर, ऑटोमेटिकली आपका वही पैर ऊपर पहले आ जाता है जिस साइड हमें राउंड लेना होता है। जैसे हमें अभी राइट साइड से राउंड लेना है तो वन टू, अब हमें यहाँ राउंड लेना है तो हमारा लेफ्ट लेग जाएगा बैक साइड, देन घूम के सामने वन टू। अब लेफ्ट साइड जाना है तो हमारा राइट लेग पहले आएगा थ्री फोर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं पूरा स्टेप हमें किस तरीके से करना है। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इन सभी स्टेप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेप वन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। स्टेप टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। स्टेप थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। नाउ स्टेप फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आई होप कि आपको चारों भी स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम इन सभी स्टेप्स को किसी भी क्लासिकल या सेमी क्लासिकल डांस में यूज कर सकते हैं। चलिए भाई सभी स्टेप्स को हम म्यूजिक के साथ देखते हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।